बड़ा सी, कई सालां बाद अज गेट मूरे खड़ा सी। बच्चियां बताते भी हैं कि यहाँ नहीं होता तो मैम दूर तो पेरेंट्स भेजते ही नहीं। नालियां ने खड़ा होया यादा दा ओए काफला, यादा दा ओए का। बहुत बढ़िया, हां जिस तरह ओड़ा मंडी में कवन थे मेरा कुंजी करे ओड़ा ऐड़े बड़ा तो हौज पे ओए दिल बीच फेर लेना दाखला। कैप्टन अभिमन्यु जो है वित्त मंत्री थे उनके कार्यकाल में ये शुरू हुआ है और उन्हीं के प्रयासों से शुरू हुआ है। अरे दर्शका ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे भाई गवर्नमेंट कॉलेज खेड़ी चोपटा में और आपने दिखाओगे अगर इस कॉलेज की बात करें तो कद यो कॉलेज बनाया था और किसने बनवाया था और इस कॉलेज के बने पीछे अगर आसपास की लड़कियां या लड़कियां की बात करें तो कितना फ़ायदा होया है और इस कॉलेज में के सुविधा है, लड़कियां ने कौन कौन सी स्ट्रीम पढ़ने मिला है, तो सारी चीज़ अंदर चल कर एक बार दिखा दें। पहले तो आप एक बार पूरा कॉलेज देख लो, पार्क देख लो, तो चारों तरफ बड़ा साफ़ सुथरा कॉलेज है, अच्छा है। और फिलहाल एडमिशन चल रहे हैं तो एडमिशन खातर है जो लड़कियां और लड़के अड़े पहुँचने लग रहे हैं, क्लास स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि आपने भी बेरा है क्योंकि अब कॉलेज के थोड़े दिन पहले ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। तो यो है खेड़ी चोपटा का कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो अंदर चल कर टीचर आते ही बात करेंगे और आपने पूरी पूरे कॉलेज का विजिट भी करवाओगे के सुविधा है तो सारी चीज़ें पर बात करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? मैं प्रोफेसर धर्म सिंह जी, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज खेड़ी चोपटा। हाँ जी सर, प्रिंसिपल? प्रिंसिपल साहब के पास एडिशनल चार्ज है जी गवर्नमेंट कॉलेज डाटा का। अच्छा। तो एक या दो दिन वहाँ जाते हैं, बाकी यहाँ संभालते हैं, तो आज वो उधर गए हुए हैं। तो सर आज इस कॉलेज में हम पहुँचे तो पूरे कॉलेज का विजिट करना चाह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। और साथ में मतलब बच्चों ने क्या अचीवमेंट प्राप्त करी है, इसकी कॉलेज की मतलब क्या सुविधाएं हैं, बिल्कुल तो सारी चीज़ें आपसे पूछना चाहते हैं। बिल्कुल जी, बहुत सारी सुविधाएं आपके सामने हैं जी सारी, और जो जो हम पूरे कॉलेज की आपको विजिट कराएंगे और आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है जी। तो ये प्रिंसिपल ऑफिस? हाँ ये प्रिंसिपल ऑफिस है जी। अच्छा। और ये हमारे महाविद्यालय के बर्सर हैं जो सारा फाइनेंशियल मैटर देखते हैं, रामनिवास जी। अच्छा रामनिवास। तो सर ये हमारे महाविद्यालय के बर्सर हैं। नमस्कार सर। राम राम सर। नमस्कार। राम राम सर। राम राम। सर एक बार नाम बता दो अपना। मैम मेरा नाम दिनेश है, मैं कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे प्रोफेसर हूँ। मैडम मेरा नाम राम निवास है, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स में। राम राम सर। राम राम जी। अनिल है जी, जोगरी फी डिपार्टमेंट से। तो सर अभी तो क्लासेस शुरू नहीं हुई होगी? नहीं अभी तो, आप ये मानो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर शुरू हो जाएंगी। एक हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगी। हाँ जी MS। फिलहाल एडमिशन चल रहे हैं? हाँ जी एडमिशन चल रहे हैं जी UG क्लासेस के। तो महाविद्यालय में 62 के करीब कैमरे लगे हुए हैं जी, स्क्रीन चल रही है, हर एक्टिविटी जितनी भी कॉलेज में एक्टिविटी जिस भी कोने में हो रही है सारी की सारी लाइव चल रही हैं। 62 कैमरे लगाए हैं जी हर जगह, हर कोने में। हर कोने में। हाँ जी मतलब बच्चे या कि जो भी एक्टिविटी है सारी यहाँ से। हाँ, देखते बिल्कुल यहाँ बिल्कुल लाइव चलती हैं जी। तो सर और भी पूरा का पूरा कॉलेज विजिट करना चाहेंगे? स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो RTI लगाते हैं उनका जवाब, और SPIO मैं हूँ मिस्टर धर्म सिंह, तो जितने भी RTI आते हैं उनका जवाब हमें देना होता है। कोई भी नागरिक लगा सकता है RTI सूचना, महाविद्यालय से संबंधित कोई भी सूचना मांगता है तो उसका जवाब हमें 15 या 20 दिन के अंदर अंदर देना होता है, तो ये SPIO ऑफिस है। अच्छा सर जैसे अगर विद्यालय की बात करें तो ये मतलब कब स्टार्ट हुआ था? ये 2018 में, जुलाई 2018 से रनिंग में है जी। ये कैप्टन अभिमन्यु जो हैं वित्त मंत्री थे उनके कार्यकाल में ये शुरू हुआ है और उन्हीं के प्रयासों से शुरू हुआ है। हाँ जी। तो सर आपने बताया कि 2018 में शुरू हुआ था। हाँ जी हाँ जी, जुलाई 2018 से ये रनिंग में थे। तो में ये पहले RO स्कूल में चलता था जी, 4 कमरे ऊपर मिले हुए थे। अच्छा। तो वहाँ रनिंग में थी और जनवरी 2021 में हमने यहाँ शिफ्ट किया था, बिल्डिंग बनके तैयार हुई थी 2021 में यहाँ बिल्डिंग में। बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये महाविद्यालय का मुख्य कार्यालय है जी। अच्छा। इसमें ये रूपेश हैं हमारे क्लर्क, तो महाविद्यालय का जितना भी क्लरिकल जो कार्य है वो रूपेश देखते हैं। राम राम सर। नमस्ते मैडम जी, रुपेश कुमार मैम। सर आपका क्या काम रहता है विद्यालय में? मैम सारा ही काम मेरा है, स्टूडेंट से रिलेटेड है, सैलरी से रिलेटेड है, फाइनेंस से है, सारा देखना ही पड़ता है मैम। लड़कियों के लिए अलग से ये तो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है इनमें, ये तीनों कमरे ऊपर नीचे। हाँ जी तीनों बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं। ये वाटर कूलर हैं जी बच्चों के लिए, RO का पानी है, ऊपर से RO लगा हुआ है, मेन RO ऊपर छत पे रखा हुआ है। दो वाटर कूलर ये हैं, दो इससे ऊपर वाली बिल्डिंग में, दो उससे ऊपर वाली, कुल टोटल 6 वाटर कूलर लगे हुए हैं ठंडा पानी गर्मियों में बच्चों के लिए। ये
लड़कियों का वाशरूम है इधर, बाकी ये गेट उधर से हम बंद रखते हैं सर। अच्छा सर, मतलब स्ट्रीम कौन कौन सी यहाँ पे लड़की? स्ट्रीम यहाँ है जी बीए में 160 सीटें हैं जी, बीकॉम में 80 सीटें हैं, और एमएससी ज्योग्राफी है जी यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में। ये हमारे महाविद्यालय की कैंटीन है। अच्छा, कैंटीन भी है सर? तो यहाँ पे बच्चे बैठ के खाना खाते हैं, चाय पानी पी लेते हैं। राम राम मैडम जी। राम राम जी। क्या नाम है? मीना शर्मा जी। मीना शर्मा, हाँ जी। तो लड़कियों को सबसे ज़्यादा क्या खाने में पसंद आता है कैंटीन में? अभी तक तो शुरू नहीं हुई है मैम, और एक तारीख से पहले ये बच्चे तो सारी चीज़ें खाते हैं। अच्छा। कुरकुरे है, चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक है, ऐसे 9 से 5 तक अवेलेबल है। ये लाइब्रेरी है सर? ये लाइब्रेरी है, यहाँ बच्चों के बैठने के लिए अच्छी पुस्तकें हैं, अच्छे टेबल्स लगे हुए हैं, एसी उधर लगाने लग रहे हैं जी, उधर से लगते आ रहे हैं एसी भी। हाँ जी, 6 AC लग रहे हैं इसमें। ये हमारे लाइब्रेरियन अटेंडेंट हैं मैना जी। राम राम मैम। नमस्ते जी, क्या नाम है? मैना जी है। तो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं बैठ के? हाँ, बैठ के पढ़ते हैं अखबार वगैरह। शोर तो नहीं करते ना? नहीं करते जी। नहीं करते जी। और ये मैम? ये अप्रेंटिस लगे हुए। राम राम मैम। क्या नाम आपका? रीना मैम। रीना, यस मैम। तो आप कहाँ से आते हैं? खेड़ी जालौन से मैम। खेड़ी जालौन से, यस मैम। और यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा बैठ के पढ़ती हैं, लड़के ज़्यादा बैठ के पढ़ते हैं? लड़के भी पढ़ते हैं, लड़की भी मैम, यस मैम। तो भैया पूरी की पूरी आपने दिखा दे, एक बारी लाइब्रेरी है जिसमें बच्चे बैठकर आराम से शांति से पढ़ा है, बुक्स वगैरह भी बहुत सारी रखी गई है। बीए प्रथम की एडमिशन कमेटी है जी, बच्चे आ रहे हैं, ये कमेटी है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, उनके कागजात चेक करके और उनको एडमिशन देना, ये पूरी कमेटी बैठी। सर मतलब बच्चों की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो कितनी स्ट्रेंथ है आपको? 550 के आसपास। एक मिनट सर, पिछली बार मैं उधर ही आती हूँ सर, आपके पास आती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सुभाष है मैम। अब बोलिए सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहती, नमस्कार है बोलना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज है ना। लाइब्रेरी के इंचार्ज भी है। हाँ जी मैम। तो इंचार्ज ज़्यादा सख्त तो नहीं है? नहीं, सख्त तो यही बता सकते हैं, बच्चे बता सकते हैं कैसे हैं। तो बच्चों से पूछ लेते हैं। हाँ, बच्चों से पूछ लो मैम। अभी तो सर मतलब क्लासेस शुरू नहीं हुई है? अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, अभी अभी एडमिशन्स ऑन हैं, चल रहे हैं, अभी डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं बच्चों से, फिजिकल काउंसलिंग भी चल रही है साथ साथ में, तो कार्य चल रहा है अभी मैडम एडमिशन्स का। तो एक गुड़िया बैठी है, गुड़िया से पूछ लेते हैं कहाँ से आती है। साहिल जी। साहिल जी। साहिल है। कौन से गांव से है साहिल? कापड़ोते जी। तो अभी एडमिशन लिया है या पहले से पढ़ रहे हो? ना जी, एडमिशन लेने की सोच रहे हो। सोच रहे हो फर्स्ट ईयर में? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब अभी प्लस टू के बाद फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे? हाँ जी। तो मतलब अगर ये कॉलेज ना होता तो फिर आपको पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता? शहर में जाना पड़ता मैडम, जींदिया नरवाना। जींदिया नरवाना या फिर उज्जैना। मतलब आस पास और कोई कॉलेज नहीं है इसके अलावा? नहीं मैडम, यही नजदीक है ज्यादा। राम राम गुड़िया। नमस्ते जी। क्या नाम है? नीतू मैम। एडमिशन के लिए आए हो? यस मैम। कौन से गांव से? कोट क्लास से। कोट क्लास से, यस मैम। तो मतलब अभी फर्स्ट ईयर न्यू एडमिशन है? यस मैम। जैसे यहाँ पे कॉलेज है, अगर यहाँ पे कॉलेज नहीं होता तो फिर कहाँ पे जाना पड़ता आपको? मैम वैसे तो नजदीक में तो यही है, नरवाना भी है वैसे तो, फिर यही पर है। ये आपके साथ है? यस मैम। अच्छा, राम राम सर। सुभाष जी। सुभाष। तो सर आप कोतकला गांव से? हाँ, कोतकला से। देखो सर, जैसे 2018 में ये कॉलेज शुरू हुआ है, इससे पहले आसपास कोई कॉलेज नहीं था, तो मतलब लड़कियों को कितना फ़ायदा हुआ इस चीज़ का? बहुत फ़ायदा है इस मंदिर में, जोकर पढ़का है, एक तो लोग एक लोग है जड़ा है, ज़्यादा दूर को नहीं, और एक सर भी बढ़िया है, स्टाफ अच्छा। हाँ, स्टाफ अच्छा, इसीलिए इधर करवा है। सर देखो, बहुत सारे माता पिता तो इसे हैं जो मतलब लड़कियां दूर भेजते नहीं, जो कि पास में कॉलेज पढ़ा है तो एडमिशन करवा दी। हाँ जी, बाकी इसकी मतलब न्यू को नहीं, छवि बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ, जिस तरह उड़ा मंडी में कवन थे, मेरा कौन जीक रहा है उड़ा एडे बढ़िया। अच्छा। हाँ, माहौल भी अच्छा है? माहौल अच्छा है, सर भी बहुत बढ़िया। देखो भाई, पूरा का पूरा स्टाफ है ना तो अच्छा बताया जा रहा है, तो मतलब अगर बात करें ना तो माता पिता ने इस चीज़ की बड़ी चिंता रहा है कि मतलब लड़कियां ने भेजने के मामले में कि कैसा माहौल है, क्यूकर है। अगर आड़े की बात करें, जैसे एक लड़की के पिता ने बताया कि बहुत अच्छा स्टाफ है, माहौल भी बड़ा अच्छा है, तो हम बेचैन तो अपनी लड़कियाँ आड़े भेज सके हैं, तो बाकी साथ के साथ में और भी विजिट कर ले हैं। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे अब यहाँ पे खेड़ी चौपटा में कॉलेज बनने के बाद, हाँ जी, मतलब कितने गांव की लड़की आती है? 22-23 गांव के बच्चे यहाँ आते हैं जी, आसपास के। हाँ जी।
मतलब को एजुकेशन है? हाँ को एजुकेशन अभी पिछले दो साल से है, पहले हाँ पहले सिर्फ हाँ गर्ल्स कॉलेज था पहले। सर इससे पहले जैसे यहाँ पे कॉलेज नहीं था, ये 2018 से शुरू हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे पहले लड़कियों को कहाँ जाना पड़ता था? पहले तो फिर ये कभी जींद जाते थे, नरवाना जाते थे जी, बरवाड़ा जाते थे। इस कॉलेज के बनने के बाद बड़ा फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ जी बच्चों को, गरीब का बच्चा लगभग यहीं आता है। लड़कियों के मामले में तो कई बार ऐसा भी होता है कि प्लस टू के बाद या तो माँ बाप शादी कर देते हैं कि भाई दूर नहीं भेजेंगे हम, तो यहाँ पे पास में कॉलेज होने के बाद लड़कियों को इस चीज़ का पड़ गया जी, बहुत फर्क पड़ गया जी। हाँ जी सर, आप भी टीचर हो, आपको आस पास के गाँव के बहुत अट्टे मैडम लड़कियों को ज्यादा फायदा हुआ? हाँ बिल्कुल, लड़कियों को नो डाउट लड़कियों को बहुत फायदा हुआ इस कॉलेज का। शुरू में जी राष्ट्रीय सेवा योजना हमारे महाविद्यालय में चल रही है, तो उनके इंचार्ज हैं मैडम विद्यापति, वो कमेटी में बैठे हैं उधर, और 100 बच्चों का उसमें रजिस्ट्रेशन होता है हर साल, तो उनको मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है, उनको आगे नौकरी में उसका फायदा मिलता है। नमस्कार मैम। नमस्ते, बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। नाम क्या मैम? मिसेज विद्या शर्मा। विद्या शर्मा, हाँ जी। तो सर मैं पूछ रही थी कि जैसे 2018 से कॉलेज चल रहा है, आ जाओ मैम, आ जाओ आप भी आ जाओ, बिल्कुल। हाँ लड़कियों की समस्या तो आप ही बताओगे क्योंकि लेडीज टीचर को ज़्यादा पता होता है। अभी फिलहाल हमारी कोई समस्या होती है तो उसको रिजोल्व कर लिया जाता है। वैसे किस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं मैम? समस्याएं बच्चों की बस एक मेन प्रॉब्लम तो हमारी जो जो शॉर्ट आउट भी नहीं हो रही है वो है बस स्टैंड से चोपटा से यहाँ बस के आने की जो नहीं आती हैं। तो इसका हाँ जी, इसका सोल्यूशन यदि हो सकता हो तो आप लोग भी गुहार लगा सकते हैं। तो मतलब इसके अलावा कोई और समस्या नहीं? और कोई समस्या नहीं है। ये लड़कियों को समस्या आती है? हाँ जी, लड़के हो या लड़की सभी को आती है यहाँ आने की। तो हाँ जी, थोड़ा ये मतलब चोपटा से थोड़ा दूर हो गया तो वहाँ से पैदल आना पड़ता है। हाँ 800 मीटर के आसपास होगी डिस्टेंस ही, तो इसमें आता है बच्चों को, गर्मी है जैसे अब सर्दी में भी, और 15 मिनट लगते हैं पैदल आने में। ठीक, ये महाविद्यालय का लाइट हाउस है जी, लाइट होम 25, हाँ जी हाँ जी, लाइट भी है, 25 किलो वाट का सोलर सिस्टम भी महाविद्यालय की छत के ऊपर लगा हुआ है। अच्छा, तो लाइट की कोई समस्या नहीं है, बच्चों को गर्मी में कोई दिक्कत नहीं? गर्मी में कोई दिक्कत नहीं, 25 किलो वाट का सोलर सिस्टम है जी। हाँ तो सर ये मतलब उसी टाइम पे लगवाया गया था या बाद में? बाद में PWD ने लगवाया था, PWD ने ही बिल्डिंग बनाई थी जी। अच्छा, तो ये महाविद्यालय का मल्टीपर्पज हॉल है जी, इसमें हमारे जितने भी महाविद्यालय के फंक्शन होते हैं वो इसी में होते हैं, और आप सामने देख लो AC लग रहे हैं, 16 AC 2-4 दिन पहले ही आए हैं जी, 16 के 16 AC लगने हैं। तो जब भी कोई प्रोग्राम होगा तो इसमें AC में, हाँ जी प्रोग्राम के लिए, हाँ जी हाँ जी प्रोग्राम के लिए है। यहाँ हमारा कल्चर प्रोग्राम भी होता है, बाकी कोई असेंबली होती है वो भी होती है, कोई लेक्चर करवाने होते हैं वो भी इसी हॉल में होते हैं। पूरे के पूरे कॉलेज में कैमरे हैं, तो जो भी एक्टिविटी है बच्चे की तो सारी की सारी प्रिंसिपल रूम में उसके इस वो लग रही है, तो सारी की सारी वहाँ पर नोट उसका है। बॉयज़ के टॉयलेट ये हैं जी, यहाँ ये फिजिकल हैंडीकैप का है ये। हाँ एक लड़की है जी हमारे महाविद्यालय की, कविता दलाल किन्नर गाँव से, तो उसने BA में भी टॉप किया था यहाँ, और इस बार MSc ज्योग्राफी में भी उन्होंने 2nd टॉप किया है यूनिवर्सिटी को। हाँ जी, तो उसका इंटरव्यू हो जाएगा। सर बीच बीच में पार्क बनाए गए? हाँ ये पार्क बने हुए हैं, ये लड़कियों के लिए लड़कों के लिए ये पार्क बनाए हुए हैं, बेंच पंचायत ने दिए हैं, अभी 25 बेंच दिए हैं ये सीमेंट वाले, तो ये जगह जगह रखवा रखे हैं बच्चों के लिए भी, कपड़े ख़राब ना हो नीचे ना बैठे। सर कितने रूम का कॉलेज है ये? वैसे क्लासरूम तो है जी 21। अच्छा, बाकी इसमें रूम हैं जी 75 के आसपास टोटल। हाँ जी, मतलब रूम्स की कोई दिक्कत नहीं है जी, क्योंकि क्लासेस तो हमारे पास 21 ही हैं, 21 क्लासरूम हैं, तो उनमें जैसे ये है तो उनमें से हम बहुत कम क्लासेस को रूम करते हैं, क्योंकि खाली कोई कमरा न रहे ताकि उसमें कोई अनैतिक कोई गतिविधियां न हो, तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़े, इसलिए हम कम ही कमरों को क्लासरूम को यूज़ करते हैं। सभी में पूरी फैसिलिटी है, बोर्ड हैं ये सनमाइका वाले। मतलब और कोई ऐसी असुविधा सामने आई हो जो मतलब बच्चे शिकायत करते हो कि भी इस चीज़ की कॉलेज में ज़रूरत है? कॉलेज के अंदर किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होती जी। अच्छा, बस ज़्यादातर क्योंकि टीचर क्लास लेते हैं, उनको क्लास में जाने के लिए कहते हैं जब उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो थोड़ा फ्री रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ उनको फ्री टाइम मिलता ही नहीं। थोड़ा होता है सर बच्चों को कॉलेज टाइम में। हाँ जी हाँ जी, तो ये क्लासरूम है, ये 80 बैठते हैं जी, वैसे 40-40 बेंच हैं, 80 की है कैपेसिटी, 80 का सेक्शन है हमारा, तो 80 तक कोई दिक्कत नहीं है बैठने। अच्छा, 60 कंप्यूटर की हमने डिमांड भेज रखी है, वो विद इन वीक आ जाएगी, डिपार्टमेंट से समय समय पर बातें होती रहती हैं, तो इस वीक में आने की संभावना पूरी पूरी है,
तो 30 कंप्यूटर इस लैब में और 30 उसमें, 60 कंप्यूटर आ जाएंगे। सर बच्चों की क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आ जाएगी? हाँ जी बिल्कुल आ जाएगी। ये स्क्रीन है जी, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं सर, कंप्यूटर के बारे में भी, दूसरे सब्जेक्ट की भी, कोई लेक्चर भी दिखाना हो तो सर चला के दिखा देना। और पूरा का पूरा एसी रूम है? हाँ जी बिल्कुल, दो एसी लगे हुए हैं, एक लैब उधर है वो भी एसी है। सर तीन डिजिटल पैनल हैं ऐसे। अच्छा। और उसमें डिजिटल क्लासेस लगती हैं, कोई भी लेक्चर हर एक प्रोफेसर की कम से कम वीक में एक या दो लेक्चर उसमें लगता है। सर स्टाफ कितना है यहाँ पे? स्टाफ है जी 15 तो रेगुलर टीचर हैं और दो एक्सटेंशन पे हैं, 17 तो टीचिंग फैकल्टी में है, बाकी 11 के करीब नॉन टीचिंग फैकल्टी में है। एक दो तीन स्मार्ट क्लासरूम है जी हमारे पास, जिनमें स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन के ऊपर हर टीचर को एक क्लास हर रोज लेनी होती है। ये एक क्लास जी। फर्नीचर का अभाव है जी, तो कमरों में थोड़ी थोड़ी रखवा रखे हैं, क्योंकि कॉमर्स में बच्चों की स्ट्रेंथ भी कम है, 15-15, 20-20 बच्चे हैं, तो उनके लिए कम बेंच लगवा रखे हैं हमने। आर्ट्स में ज़्यादा हैं तो उसमें ज़्यादा बेंच लगवा रखे हैं हमने। ये गर्ल्स कॉमन रूम है जी लड़कियों के लिए स्पेशल। अच्छा। तो इसमें लड़कियों के लिए। हेलो गुड़िया, क्या नाम है? परीक्षा। कहाँ से आए हो? खड़कपुनिया से। खड़कपुनिया से, तो मतलब एडमिशन के लिए न्यू एडमिशन? हाँ जी। आप कहाँ से हो? खड़कपुनिया से। साथ में? हाँ मैम। ये गलत कॉमन रूम है जी, इसको मैं दरी लगा देते हैं कि बेंच लगा देते हैं बच्चे। हाँ एसी अभी लगवा देंगे हम, लग रहे हैं एसी, आए हुए हैं एसी, हाँ लगवा देंगे जी इनको। तो पंखे हैं, सोलर के ऊपर सिस्टम है सारा, तो इनको कोई समस्या नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है, तो हर डिपार्टमेंट अलग अलग उसमें रूम्स दिए हुए हैं उसमें। तो ये हमारे यूनिवर्सिटी के इंचार्ज हैं डॉक्टर मूत्रा सिंह जी, यूनिवर्सिटी के जितने भी एग्ज़ाम फार्म भरवाना है, बच्चों का रिजल्ट है, वो सारा ये देखते हैं। राम राम सर। मूत्रा सिंह नाम है जी। तो नहीं मैं सोशोलॉजी डिपार्टमेंट है जी। हाँ जी हाँ, और यूनिवर्सिटी वर्क्स का इंचार्ज हूँ मैं, यहाँ 4 साल से हूँ जी लगभग। हाँ तो बड़ा अच्छा कॉलेज है रूरल एरिया में, यानी जो 2018-19 में सरकार के द्वारा जो 35 कॉलेज खोले गए थे उनमें सबसे अच्छा कॉलेज ये चल रहा है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है इसकी। मतलब अगर आसपास के गांव की बात करें तो फ़ायदा कितना मिल रहा है आसपास? ज़्यादातर देखो हमारे यहाँ क्या है कि रूरल एरिया से ही ज़्यादा है, अर्बन एरिया से तो गिनती के 5-10 बच्चे ही है, ज़्यादातर रूरल एरिया से। और यहाँ आसपास बड़े गांव हैं जैसे मिर्चपुर है, राखी है, कापड़ो है, पनियारी है, तो उन गांव के काफ़ी बच्चे इसी कॉलेज में आते हैं जी। और सबसे बड़ा इसका मेन फ़ायदा क्या है जिस कॉलेज का, कि अपना जो ये एरिया है जैसे आंसी है, बरवाला है, अपने डाटक भी कॉलेज है, उगाड़न भी कॉलेज है, तो ये कॉलेज इनमें किसी भी कॉलेज में है ना इतने ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है जो इस कॉलेज में है, और मेनली सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें यहाँ अलग अलग हम देखें तो 10 सब्जेक्ट हमारे यहाँ बीए में ऑप्शनल सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट हम बच्चों के लिए ऑफर कर रहे हैं। हाँ बच्चे चूज कर सकते हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ ज़्यादा ऑप्शन है बच्चों के पास, क्योंकि आजकल क्या है कि आगे आगे जैसे हम ग्रेजुएशन के बाद जाएंगे, अगर किसी बच्चे के पास कोई स्पेशलाइजेशन है ना उसके कामयाब होने के ज़्यादा चांसेस है। तो सर ये नहीं है कि बच्चे के ऊपर थोपे जाएगी इतने ही सब्जेक्ट है और आप इन्हीं में से लेने पड़ेंगे, तो मतलब चॉइस है? हाँ चॉइस है जी, जैसे जब ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो हमारे पास हर कॉम्बिनेशन की अलग अलग सीटें होती है, तो कॉम्बिनेशन वाइज बच्चा अपने प्रेफरेंस फील कर सकता है, और बाद में यानी सब्जेक्ट चेंज का हम ऑप्शन भी देते हैं, अगर कोई बच्चा गलती से कुछ गलत सब्जेक्ट भरा जाता है तो वो सब्जेक्ट चेंज कर भी सकता है। हाँ कम ही बैठते हैं तो इसका यूज़ थोड़ा कम ही हो रहा है फिलहाल, क्योंकि हर फैकल्टी को अलग अलग रूम मिले हुए हैं तो वो अपने अपने रूम में बैठे रहते हैं। सर मतलब लड़कियां ज़्यादा है लड़के ज़्यादा हैं? लड़कियां ज़्यादा हैं जी, 75% लड़कियां हैं जी। हाँ जी, अब 550 में से 111 लड़के थे, बाकी लड़कियां थी सारी। हाँ जी मतलब इस कॉलेज का लड़कियों को ज़्यादा फायदा हुआ? हाँ बिल्कुल, लड़कियों को ही हो रहा है जी सारा फायदा, क्योंकि लड़कियों को है ना माता पिता कहीं दूर भी नहीं भेज पाते कई बार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत फ़र्क है जी उसका, नज़दीक कॉलेज का बहुत फ़र्क है, क्योंकि लड़कियों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है जी, हर गरीब आदमी दूर नहीं भेज सकता अपने बच्चे को। मतलब देहात की लड़कियों के लिए तो बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा वरदान इसी दुआ दिए तो। हाँ जी, आसपास के सभी गांव के बच्चे आते हैं? हाँ जी हाँ जी, मतलब एक बिल्डिंग सेम ऊपर भी है? बिल्कुल सेम है मैडम, ऊपर भी सेम पोर्शन है, ऊपर सोलर प्लेट लगी हुई है ऊपर बड़े पोर्शन। सर देखो किसी भी माता पिता को है ना अपने बच्चे भेजने के लिए, ज़्यादातर लड़कियों के मामले में मतलब ये होता है कि हमारी बेटी सुरक्षित होगी या नहीं होगी, कैसा माहौल है? माहौल बिल्कुल अच्छा है मैडम, बिल्कुल सिक्योर है यहाँ पर, प्रोक्टोरियल ड्यूटी भी लगती है, डिसिप्लिन ड्यूटी लगती है, और प्रॉपरली सब कुछ मैनेज होता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है यहाँ पर। हर जगह कैमरे लगे हुए हैं? हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, और स्क्रीन प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में लगी हुई है, लगातार मॉनिटर भी हम करते हैं उसमें। मैं आपको कहना चाहता हूँ बीकॉम में
एक लड़की है सुरभि, उन्होंने सेकंड और फोर्थ सेम में फर्स्ट पोजीशन ली है जीजेयू जो यूनिवर्सिटी हिसार में, और एक सुनीता लड़की है उन्होंने फोर्थ सेमेस्टर में ही सेकंड पोजीशन ली है। ये बहुत बड़ी बात है, एक रूरल एरिया से ये बच्चियाँ आगे आई। देखो सर, अगर आसपास कॉलेज ना होता तो शायद वो लड़कियाँ एडमिशन भी ना ले पाती मे बी, क्योंकि ज़्यादा दूर जाना उनके लिए भी परेशानी होता है, माँ बाप के लिए भी होता है, माता पिता के लिए जी। तो बिल्कुल सही है मैडम, यहाँ कोई समस्या नहीं है। सर ये है कि 2018 के बाद मतलब लड़कियों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। बड़ा फ़ायदा हुआ मैडम, नो डाउट बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद जी कैप्टन साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद, इस एरिया के लिए इतना बड़ा योगदान उन्होंने दिया है। राम राम मैम। राम राम जी। राम राम सर। राम राम। अनूप सिंह। पूनम। कॉमर्स में। हाँ जी हाँ जी। ज्योग्राफी। तो मैम देखो, आप तो एक महिला हो तो आपको ये भी होगा, जैसे रूरल एरिया में ये कॉलेज बना है 2018 से इसकी शुरुआत हुई है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस, यहाँ जो यहाँ गांव की लड़कियाँ हैं उन्हें फ़ायदा हुआ है। बच्चियाँ आती हैं रूरल यहाँ गाँव से, आसपास के गाँव से, तो बच्चियाँ बड़ी खुश हैं, अच्छे से पढ़ाई करती हैं, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ बच्चियों को हुआ है। सर देखो, जब ये कॉलेज नहीं था 2018 से पहले, वैसे आप तो यहाँ से ही हो, लोकल से ही हो, तो लड़कियों को कहाँ जाना पड़ता था पढ़ने? एक बहुत बड़ा चैलेंज था लड़कियों के लिए, यानी कि अपने ग्रामीण परिवेश में इधर से डायरेक्ट तो कोई सर्विस थी नहीं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही कॉलेज होते थे, तो 50% 60% लड़कियाँ तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती थी, और उनकी पढ़ाई प्लस टू के बाद छूट जाती थी। अब जैसे रूरल एरिया में, ग्रामीण अंचल में सरकार ने इतनी अच्छी बिल्डिंग, इतनी अच्छी फैसिलिटी सुविधाएं प्रोवाइड की हैं, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट का रूरल, यानी कि मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूं, तो ग्रामीण परिवेश के लोगों की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तक और दूसरा ख़ास तौर पे लड़के तो फिर भी हमारे इधर उधर ट्रैवल कर लेते थे, लड़कियों के लिए बड़ा चैलेंज होता था, और लड़कियों को इतनी अच्छी सुविधाएँ यहाँ प्रोवाइड किए हैं, तो इसके रिजल्ट्स आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे, और हमारा जो खास तौर पे फीमेल लिटरेसी रेट है उस पर इसका बड़ा असर आने वाला है। और लड़कियां पढ़ेंगी तो ये कहते हैं कि लड़का तो एक फैमिली के लिए, लड़की अगर पढ़ती है तो उसे दो फैमिली समृद्ध होती हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये कॉलेज आने वाली लड़कियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा, और आने वाले समय में इसके बड़े लाभ होंगे। ये एक बीज है और बीज की शुरुआत हुई है, ये बड़ा वृक्ष बनेगा, ये हमारी उम्मीद है, और हम आने वाले यहाँ पे जो भी विद्यार्थी आएंगे हम पूर्ण हमारा प्रयत्न करेंगे कि उनकी आकांक्षाएं पूरी हों, और हमारी मेहनत, उनकी मेहनत और हमारे मार्गदर्शन में वो आगे बढ़ें। और मैम आप क्या कहना चाहोगे, जो लड़कियों पढ़ने आती है तो शरारती बच्चे ज़्यादा आते हैं या फिर पढ़ने वाले होते ज़्यादा? मैम पढ़ने वाले खूब आते हैं, मैम खूब पढ़ने वाले बच्चे आते हैं। अब लड़कियों को कहीं मैम लाइब्रेरी ज्वाइन करने की ज़रूरत है, कितनी अच्छी लाइब्रेरी है यहाँ, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छे क्लासरूम्स हैं, तो बच्चे टीचर्स आ रहे हैं, तो बच्चे बड़े सेटिस्फाई हैं यहाँ। और दूसरा, अभी देखो इसी कॉलेज की शुरुआत है, शुरुआत में ही यहाँ से यूनिवर्सिटी टॉपर बच्चे रहे, सेकंड टॉपर, अभी एमएससी की शुरुआत हुई थी पिछले वर्ष, भूगोल में एमए एमएससी की शुरुआत यहाँ हुई है, और यूनिवर्सिटी में सेकंड टॉपर यहाँ से रही, तो यानी कि इतने कम समय में ये अच्छी उपलब्धियाँ हैं, और इससे हमें उम्मीद है कि हम आगे और ज़्यादा प्रोग्रेस पर लेकर जाएँ, और हम अपना प्रयत्न जारी रखेंगे, और इस तरीके से लड़कियों का जो पढ़ने का सपना होता है तो वो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, लड़कियों की शादी हो जाती है, दे स्टे इन मायका, मायका में रह के यहाँ आती हैं, तो बच्चे पढ़ते हैं, लड़कियाँ बिल्कुल जुनून है उनके अंदर, हमें पढ़ना है, घर का काम भी करके आएँ कि आके बताती हैं कि मैम हम घर पर इतना सारा काम करके आते हैं, तो उसके बावजूद भी इतनी अच्छी हैं वो स्टडीज़ में, बच्चों में जुनून है यहाँ, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। खासतौर पर अगर ये कॉलेज उपलब्ध ना होता तो उनके पास जो बचा हुआ समय है वो ट्रैवलिंग में चला जाता उनका, और वो अपनी स्टडी पे पूर्ण रूप से फोकस नहीं कर पाते, उनको चैलेंज आते, तो उस चैलेंज से बचने के लिए यानी कि यहाँ लोकल में ये सुविधाएँ प्रोवाइड की गई हैं, और हो सकता है कि ये बड़ा चेंज लेके आएगा इधर फीमेल लिटरेसी रेट। सर जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे मतलब ट्रैवल में निकल जाता समय, लेकिन बहुत सारी लड़कियों के साथ तो ऐसे भी होता है कि प्लस टू के बाद माता पिता कहते हैं कि हम दूर नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए, शादी कर देते हैं, तो उनका जो सपना होता है कुछ करना होता है तो वो तो वहीं रह जाता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। हाँ जी हाँ जी मैम, वहीं की वहीं बेचारी रुक जाती हैं, दब जाती हैं, अब यहाँ पढ़ाई कर रही हैं तो बस। हाँ बिल्कुल मैम, है मैम अवसर मिला, बल्कि बच्चियाँ बताती भी हैं कि यहाँ नहीं होता तो मैम दूर तो पेरेंट्स भेजते ही नहीं,
इनफैक्ट हिसार तक नहीं भेज पाते हैं पेरेंट्स, क्योंकि भाई ट्रैवलिंग में भी बच्चा परेशान होता है कहीं ना कहीं, हॉस्टल में उनको पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो यहाँ अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर पा रही हैं।